तो दोस्तों फाइनली देखकर आ चुका हूँ फिल्म एनिमल, और एनिमल देखने के बाद एक ही बोलूंगा कि दिस इज अ मास सिनेमा। मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरह से बोला था ना कि वो इंडियन सिनेमा की मोस्ट वायलेंट फिल्म बनाएंगे, भाई बंदे ने सही बात करके दिखा दी। इस फिल्म के अंदर इतना वॉयलेंस है, इतना एक्शन है, इससे पहले इस तरह का एक्शन का लेवल हमें किसी भी बॉलीवुड की फिल्म में देखने को नहीं मिला था। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तारीफ बनती है संदीप रेड्डी वांगा की, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म बनाई है और इस 3 घंटे 21 मिनट में आपको एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज दिया है। फिल्म में एक्शन लाजवाब है, फिल्म के अंदर ड्रामा काफ़ी बढ़िया है, और खास करके जो इमोशनल सीन से इस पर आपके आंसू निकल आते हैं। साथ ही साथ रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर का जो रोमांटिक अंदाज है वो भी आपको पसंद आएगा। नज़र डाली जाए यहाँ पर रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस पे, तो भाई रणबीर कपूर इंडियन सिनेमा का बेस्ट एक्टर है, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया। क्योंकि रणबीर कपूर पहली बार एज अ मासी एक्शन अवतार में नजर आए, और उनके एक्शन सीन्स देखकर आप सीटियां और तालियां बजा बजा कर पागल हो जाओगे। यहाँ पर रणबीर का एक्शन लाजवाब है, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह की इंटेंस एक्टिंग की है ना, इससे भाई और बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। दोस्तों इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर के डायलॉग डिलीवरी भी गजब की, और फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब इस फिल्म के अंदर 2-3 सीन मुझे रणबीर कपूर के सबसे बेस्ट लगे। एक तो वो था कॉलेज वाला, क्लीन सेव में रहते हैं रणबीर कपूर और कॉलेज में जाकर गन ले जाते हैं, वो सीन इतना बेहतरीन था कि पूरा थिएटर सीटियां और तालियां बजा रहा था। इसके अलावा जो मशीन गन वाला सीन हमने ट्रेलर में देखा था ना, ये सीन जब आता है रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और आप बोलोगे कि भाई दिस इज द रियल सिनेमा। बॉबी देओल की बात की जाए तो बॉबी देओल का कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना बड़ा उनका कैरेक्टर है और जितना इंटरेस्टिंग उनका कैरेक्टर है, बॉबी देओल ने पूरी तरह से फाड़ के रख दिया। और काश बॉबी देओल के कैरेक्टर को और ज़्यादा बताते तो और मजे आते, लेकिन जितना भी था बहुत बढ़िया था। अनिल कपूर साहब का काम भी अच्छा है एज द रणबीर के फादर, और इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, यानी कि अनिल साहब और रणबीर कपूर के बीच की, वो काफ़ी बढ़िया है। रश्मिका मंदाना का काम भी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कि फिल्म आप क्यों देखें, तो दोस्तों यहाँ पर एनिमल देखने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये फिल्म आपको एक कम्प्लीट मास मसाला एंटरटेनमेंट ऑफर करती है। शुरू में ही मैंने आपको बताया फिल्म में ड्रामा है, रोमांस है, एक्शन है, इमोशन है, हर वो चीज़ है जो कि आज के समय में ऑडियंस जब सिनेमा घर जाती है तो अंदर बैठकर देखना चाहती है, वो सब कुछ एनिमल फिल्म में डाला गया है। लेकिन दोस्तों इसका क्लाइमेक्स पूरी तरह से बवाल है, और फिल्म ख़त्म हो जाने के बाद जो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन आते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको जानने को मिलेगा कि भैया एनिमल का पार्ट 2 भी बनेगा। दोस्तों फिल्म आज जब सुबह 7 बजे वाले शो में मैं देखने आया तो पूरी हाउसफुल थी, और वैसे भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग है वो 100 करोड़ की मिल रही है, तो इतना तो कंफर्म हो जाता है कि एनिमल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करेगी, और ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो ओवरऑल घुमा फिरा कर यही कहूँगा कि एनिमल फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म है जो कि बड़े पर्दे पर ही देखी जा सकती है। तो जाइए और देखिए एनिमल फिल्म, ये फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, और फिल्म में आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज मिलने वाला है। मैं एनिमल फिल्म को दूंगा 5 out of 5 स्टार, और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आरके के फैन नहीं हो तो भी जाकर इस फिल्म को देखो, बहुत मजे आने वाले हैं।